चलिए, हाँ आप लोग इधर देखिए, मैं लेता हूँ एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। तो आपने यहाँ पर लिया है, क्या लिया है आपने? अमोनिया, आपने लिया है अमोनिया। हाँ, तो इसमें आपको याद रखना है, एक्सेप्शनल केस मैंने बताया था, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब अमोनिया आएगा तो इमाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? एक्सेप्शन बताया ना मैंने आपको, यूरोट्रोपिन, क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन। तो अब वहां पर, यहां पर भी वैसे ही एक एक्सेप्शन, इसलिए बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो अपने को पता है यहां से क्या जाएंगे, दो हाइड्रोजन, और यहां से क्या जाएगा, ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH। बट दिस एसिटल्डिमाइन इज नॉट स्टेबल, एसिटल्डिमाइन इज नॉट स्टेबल, इट इमीजिएटली फॉर्म्स ट्राइमर। जैसे ये बनता है इसके थ्री मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और ट्राइमराइजेशन कर देते हैं, कैसे? बाय ब्रेकिंग दिस पाई बॉन्ड। सी हियर CH3, जरा ध्यान से देखो, CH, और मैं यहां लिखता हूं इसको NH। ये देखिए CH3CH NH, CH3CH NH, और एक CH3CH NH, दिखा आपको, एक और एक CH3CH NH। देखो थ्री मोल्स है, दिख रहे हैं आपको? CH3CH NH, CH3CH NH, CH3CH NH। इसको जोड़ दो यहां पर, ये नाइट्रोजन को इस हाइड्रोजन से, मैं डॉट लाइन नहीं बता दो, नहीं तो आप समझेंगे वो पार्शियल बॉन्ड है, डैश लाइन बता रहा हूं मैं। सो दिस इज द ट्राइमर, ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर ट्राइमराइजेशन होगा, आपको याद रखना है। जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा कि दो एसिड मिलते तो क्या बनाते हैं, डाइमर, ठीक है? तो ये क्या बनाता है, ट्राइमर। तो यहां पर ये ट्राइमराइजेशन होगा, एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब में अल्डिमाइन बनेंगे अगर आप दूसरे लेते हैं, एसीटोन, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है? ओके, चलिए एग्जाम्पल सेकेंड हम प्रैक्टिस के लिए यहां पर देखते हैं। मैं लेता हूं यहां पर अब कीटोन का एक एग्जाम्पल लेंगे हम, एसीटोन, और यहां पर हम रिएजेंट चेंज करेंगे, हाइड्रोजिन, हाइड्रोजिन लेते हैं यहां पर हम, NH2 NH2, हाइड्रोजिन। तो यहां से ये O, और यहां से दो हाइड्रोजन जाएगा, H2O चला गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, N NH2। तो ये क्या बनाएगा यहां पर, हाइड्राजोन। हाइड्राजिन से क्या बनता है, हाइड्राजोन, और ये एसीटोन से यानी कीटोन से बना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चेंज और रिएजेंट भी चेंज करते हैं, हम लेते हैं ब्यूटेनॉन, चार कार्बन वाला कीटोन लेते हैं ब्यूटेनॉन, और यहां पर हम लेते हैं फिनाइल हाइड्राजिन। फिनाइल हाइड्राजिन में एक एच इसका निकाल देते हैं और लगा देते हैं C6H5। तो हाइड्राजिन, यहां से दो हाइड्रोजन जाएगा, यहां से ऑक्सीजन जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड, इधर नहीं है, सेकेंड कार्बन पे इधर से है, ओके C डबल बॉन्ड, और ये CH3। तो ये हो गया, यहां से दो हाइड्रोजन गया है, एन आकर कनेक्ट हो जाएगा, NNH C6H5। गेटिंग? सेम हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब इसमें से आपको थोड़ा आइडिया आ गया कि एक्चुअल डबल बॉन्ड जहां रहेगा कार्बोनिल ग्रुप CO, वहां पर आपको लाकर कंडेंसेशन रिएक्शन करना है, जितने भी रिएजेंट्स हमने देखे हैं। इतने एग्जाम्पल देगा, बाकी का आप इजीली बना सकते हैं। कोई भी अचानक ऐसे रैंडम प्रोडक्ट आया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हुआ, ये ऐसे कुछ दे दिया यहां पर, बच्चे परेशान, ये कैसे बना है, NHCO NH2, ऐसे दे दिया डायरेक्ट। तो अपने को पता है ये वाला पार्ट सेमी कार्बोजाइड से आया है, सेमी कार्बोजाइड, और ये वाला पार्ट कहां से आया है, ये कोई इस तरह से कीटोन होगा, समझा आपको?
इस ओ को हटाकर ये आया है, समझे आपको? तो थोड़ा ध्यान से देखने का रिएक्शन को, रिएजेंट का सोचने का, इमीडिएट आपको रिकॉल होता है फिर। ओके राइट।